ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सुपर टैग बिल्डर के खिलाफ बायर्स ने जमकर नारेबाजी करते हुए बिल्डर के जरिए रजिस्ट्री न कराए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बायर्स ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर चुनाव का बहिष्कार भी किया। बायर्स का कहना है कि प्राधिकरण के आला अधिकारियों से शिकायत के बावजूद ना तो प्रशासन ना ही शासन के नेताओं के जरिए बिल्डर के द्वारा उनके फ्लैट की रजिस्ट्री कराई जा रही है, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रजिस्ट्री की प्रॉब्लम आ रही है, 4.5 साल हो गए हैं ये रजिस्ट्री के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हर संडे को हमें यहाँ पे आके धरना देना पड़ता है और इनके लिए बोलना पड़ता है। अब तो यही सोचा है कि नहीं वोट करेंगे अगर ये हमारी रजिस्ट्री नहीं करेंगे, वो वोट नो रजिस्ट्री। नहीं, वोट का आपने जो कहा है कि वोट नहीं करेंगे, मतलब कोई स्थानीय विधायक या स्थानीय सांसद कभी आपकी समस्या सुनने आई यहाँ? ऐसा कोई सुनने नहीं आया है। सुपर टेक में कभी कभी मीटिंग होता है पर कोई आगे से रिस्पांस कुछ नहीं आता है, बात करके चले जाते हैं बट आगे से कोई रिस्पांस नहीं आता। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित सुपरट्रैक बिल्डर के खिलाफ बायर्स ने जमकर नारेबाजी करते हुए बिल्डर्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बायर्स के खिलाफ 4 मूर्ति गोल चक्कर पर जमकर नारेबाजी की गई। बायर्स का कहना है कि कई वर्ष बीत जाने के बावजूद भी बिल्डर के द्वारा जो उन्हें फ्लैट दिए गए हैं उन फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं कराई गई, जिसकी शिकायत उन्होंने कई बार प्राधिकरण के आला अधिकारियों सहित सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं से भी की है, जिसके बाद भी बायर्स की समस्या का समाधान नहीं किया जा सका, जिसके चलते आज सैकड़ों लोग एकत्रित होकर 4 मूर्ति गोल चक्कर पर एकत्रित हुए, बिल्डर्स के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही बायर्स का कहना है अगर उनके फ्लैट्स की रजिस्ट्री नहीं होती है तो वो आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे और अब ये देखना होगा बिल्डर्स की लगातार बढ़ती जा रही मनमानी को शासन और प्रशासन कब लगाम लगा पाता है। न्यूज डेस्क। चीजों को लेकर आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मेरा नाम मृत्युंजय कुमार झा है, मैं तो विलेज में रहता हूं सुपर टैग। और मेरा मुख्य मांग है जो रजिस्ट्री, जो पिछले 4.5 साल से पोसेशन के बाद भी जो है रजिस्ट्री नहीं मिला, बिल्डर और सिटी के ट्राई पार्टी मीटिंग में भी जो आश्वासन मिला उसका भी कोई अभी तक रिजल्ट नहीं निकला। इसलिए हमारा ये सब अथॉरिटी और जो हमारे बिल्डर हैं या प्रशासन है या लोकल जनप्रतिनिधि है सबसे यही मांग है कि हमारी जो है मांग रजिस्ट्री की वो हो जाए बस।